लेकिन जहां समाज की बात आ गई वहां हमें एकजुटता का परिचय देना होगा। तो कहना चाहूंगा कि कदम मिला के चलो और जहां बदल डालो और जमीन तो चीज है कि आत्मा बदल डालो। नया हो आज़म, नए रास्ते हो मंजिल के, और नई बहार में हर गुलिस्ता बदल डालो, नई बहार में हर गुलिस्ता बदल डालो। मैं संपूर्ण वाल्मीकि समाज के साथ हूँ और हमेशा विश्व वाल्मीकि धर्म संसद के साथ जुड़ा रहकर समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करता रहूंगा। गुरुजनों का जैसा आदेश होगा उनके आदेश का पालन करता रहूंगा। मिलेगी मंजिलें हमें एक दिन, ये फैले हुए परिंदों के पर बोलते हैं, मिलेगी मंजिलें हमें एक दिन, ये फैले हुए परिंदों के पर बोलते हैं। और वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तख्त देता है और ताज देता है और अजमतों को मिजाज देता है, और किरदार जिनका इन संत जनों जैसा बुलंद होता है जमाना उनको आवाज देता है, जमाना उनको आवाज देता है। और अपनी जो आग है और अपनी जो जायज मांगे हैं वो सरकारों के समक्ष रखते रहे हैं। साथियों, मैं दिल्ली का एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर्वप्रथम आप लोग जितनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और सुबह से पूरा मेला लगा हुआ है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी आवाज और हमारी एकता निश्चित ही इस देश के हुक्मरानों के कानों में हमारी जायज मांगों को डालेगी। हम लोग प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है साथियों, और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि तख्त पलट देंगे हम, ताज पलट देंगे, कि तख्त पलट देंगे हम, ताज पलट देंगे, समाज का यारो हम आज पलट देंगे और चल पड़ेंगे जिस दिन संतों की राह पर, ये धरती तो धरती आसमान पलट देंगे, आसमान पलट देंगे। वाल्मीकि समाज का समूचा संत समाज है, उन्होंने जो जो मांगे सरकार के समक्ष रखी है, सो मैं सभी संत जनों के चरणों में शत शत नमन करता हूँ कि जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, सो मैं संत समाज और समूह शासन का जिससे विनती है कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।